ये गाइस थोड़ा ना इन्फॉर्मेटिव व्लॉग है, तो मैं भी ज़्यादा लंबा ना हो, मैं कुछ कुछ शॉर्ट्स ही डालूंगा इसमें। जो भी आपका सारा बुक्स रिलेटेड काम है या फोल्डर्स वगैरह, फाइल्स वगैरह, शीट्स वगैरह, मैं तो यहाँ बहुत टाइम से आ रहा हूँ। देखो सच बताऊँ तो Hey guys, I'm Arthur Sharma and you're watching Side Me or Nothing। और guys, आज मैं फिर निकल गया हूँ नथिंग करने में और मैं आप सबको आज लेके चल रहा हूँ नई सड़क जो कि ओल्ड दिल्ली में है। वहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छी मार्केट है, काफ़ी सारी चीज़ों की मार्केट है, बट आज मैं तो एक बुक्स की मार्केट है वहाँ लेके चल रहा हूँ आप सबको। तो अब दिखाता हूँ कि मतलब कैसे है, क्या है। और मैं ना यहाँ लगा रहा हूँ कैमरा, मतलब अगला जो शॉट होगा, बाकी का जो भी ब्लॉग होगा वो यहीं से होगा, पर आपको थोड़ा POV मतलब समझ आएगा और अलग थोड़ा POV होगा। बाकी आप चलो मेरे साथ फटाफट और देखो फिर मज़े लो। गाइज़ मैं पहुंच गया फाइनली गेट नंबर 3 से एग्जिट कर रहा हूँ चावड़ी बाज़ार मेट्रो स्टेशन के, और बस आपको लेके चलता हूँ नई सड़क। मेनली ना नई सड़क पे मतलब सारी किताबें वताबें मिलती है, तो मेरे को भी थोड़ा सा काम था तो मैंने सोचा आपको भी दिखाई दूँ। ये देख लीजिए, मेरा हाथ तो देख ही रहा होगा आपको। गाइज ये उन्होंने बताया है कि अपना सीधा जाके यहाँ से, मतलब जहाँ से मैंने निकला पीछे से, यहाँ से सीधा जाके अब आगे से गोल चक्कर से लेफ्ट होना, वो पूरी नई सड़क है। आप आसपास देख लो, ये अभी तो फिलहाल नई सड़क शुरू भी नहीं हुई है, ओल्ड दिल्ली में है गाइस ये ना, तो वही है। मज़ा लो यार आप जो भी है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है गाइस, जो मर्जी कह लो, यहाँ ना क्राउड बहुत सेक्सी रहता है। ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मैं तो यहाँ बहुत टाइम से आ रहा हूँ, देखो सच बताऊँ तो मेरे को कुछ भी अपना मतलब बुक्स वगैरह लेनी होती थी ना, मैं यहीं आता था। हाँ मैं कह रहा था कि गाइस जब भी आप यहाँ हो ना, मेट्रो से ही प्रेफर करना, अपने व्हीकल से मत आना, क्योंकि आप देख ही रहे हो कितना कंजस्टेड एरिया है, तो आपको बाइक वाइक या गाड़ी वाड़ी की पार्किंग में इशू हो सकता है। गाइस ये है वो गोल चक्कर और अपना यहाँ से लेफ्ट। चलिए सर दिखाएं आपको, ये देखो मल्टी कलर डायरी हो गई। ये देख रहे हैं आप कितने की अंकल, ये सारी 100 की है। हाँ जी, एक रेट है, कुछ भी ले लो। और ये रजिस्टर्स, रजिस्टर सर 300 रुपए का बंडल है। कितने आते हैं इसमें, 5 है 6 है 8 है, और सारे 300 के है। हाँ सारे 300। वो मतलब क्या मोटे पतले का सीन होगा। अच्छा ये कितने भैया, 5 वाला 300 का। हाँ जी। ये देखो गाइस अभी तो मैंने घुसते ही सबसे पहली दुकान पे पूछा था, अभी ये मेरे को इतनी अच्छी अच्छी डील मिल गई। मतलब मैंने बताया ना कि कोई भी मतलब जैसे स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो या किसी को भी जैसे ये सब ज़रूरत हो ना, तो वो इजीली यहाँ से ले सकता है। अब ये देखो सारा, ये देखिए मतलब सारे डायरीज वगैरह तो यहाँ मतलब बेशुमार मिल जाएगा आपको, स्टेशनरी का सारा सामान मिल जाएगा यहाँ ना। ये 40 रुपये का एक है, 40 का एक है, और पूरा कितने का पैकेट, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा गाइस ये देखिए 240 का पूरा पैकेट है, 8 का और 40 का ये एक है। सर एक किताब नहीं मिली आपने, वो गार्जियन की वाली नहीं है, आपने जगह की वाली लेकर आ रहा हूं खुले, या तो आप बोलो क्या आऊंगा। नहीं आऊंगा, आपको बिल बने मार साले को, तू भी मार, दोनों मरो मैच। पहली दूसरी से लेके उससे पहली मतलब प्री नर्सरी वगैरह से लेके अपना मास्टर्स तक की बुक्स मिल जाएंगी आपको ना यहाँ, बुक्स का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ, और ये फोल्डर्स वगैरह तो यहाँ आम बात है। ये मतलब ना दोनों तरफ है, ये जैसे रोड के इस साइड भी है और इस साइड भी है, बस अब यहाँ पे मतलब दोनों तरफ है, और बीच बीच में मतलब खाने वाने के भी सामान आपको मिल जाएंगे, खाने पीने का और अपना सामान वामान वो जो भी है, मतलब जैसे कपड़े वपड़े भी मिल जाएंगे। देखिए शादी वादी के भी मतलब काफ़ी यहाँ पर सस्ते मिल जाते हैं कपड़े, कार्ड्स वगैरह भी आप यहाँ छपवा सकते हो। मतलब ना वो बताया ना कि मेनली जो भी आपका सारा बुक्स रिलेटेड काम है या फोल्डर्स वगैरह, फाइल्स वगैरह, शीट्स वगैरह, पेंसिल बॉक्स वगैरह, कलर्स वगैरह सब मिल जाएगा यहाँ पे। मतलब वही है, मैंने सोचा आपको बता दूं यार, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, वैसे तो पता ही होगा सबको, बट फिलहाल किसी को अगर नहीं पता, तो कोई भी कुछ किसी को नहीं मिल रही हो, तो यहाँ पे वो इजीली मतलब अवेलेबल हो जाएगी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये देखिए सामने ये रोड है, और ये यहाँ से आप ऐसे ना, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे भी है दुकान, मतलब जिनकी नीचे दुकान है वो साथ उनकी कईयों की ना ऊपर भी है दुकान, देख रहे हैं। भैया 200, ये देखिए गाइस ये 200 का है, देख रहे हो चार इतने मोटे मोटे रजिस्टर, ये भी पूछ लेते हैं भैया। 270 के 6, ये देखिए गाइस ये 270 के 6 है, 60 का एक है शायद, इस पर लिखा तो यही हुआ है।
ये देखिए गाइस 240 के चार पीस, 80 का एक, 80 का नहीं सॉरी 60 का एक। महज क्या मेरी मैथ्स में बिल्कुल लानत ही है मेरी मैथ्स पे। अबे साले ये देखिए गाइस देख रहे हैं 500 के 6 पीसेस, ये सारे मतलब ऑलमोस्ट ऐसे ही आपको यहाँ पे ना होल सेल प्राइस मिल जाएगा। ये देखिए गाइस साड़ी वाड़ी लेनी चाहिए तो ले ले, देख रहे हो ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गाइस ये देख रहे हो यहाँ ना, बस अभी थोड़ी देर की बात है, उसके बाद तो यहाँ हो लेगा काम। अभी तो मैं चौड़े में चल रहा हूँ। हाँ बढ़िया, चढ़ाते चढ़ाते बेटे। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर है भाई। गाइस मुझे तो लेना नहीं है, मैं बस आपको दिखा रहा हूँ। अरे यहाँ तो कोई है ही नहीं है क्या, फ्री है क्या दुकान सारी? कोई सेंस है इस बात की? ये देखिए गाइस 105 का है ये, नाइस। मतलब मैं आपको बस आइडिया लगवा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए, ताकि आप जब भी आप पे आए अपना कुछ भी शॉपिंग करने और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो मतलब ना। हाँ तो गाइस मैंने आपको ना फाइनली पूरा दिखाई दिया है, मतलब जो भी मतलब यहाँ मिलता है। तो अगर आपको जैसे पेन वगैरह लेने हो ना, तो पेन वगैरह अगर आप एक दो पैकेट लेंगे तो वो आपको मतलब रिटेल वाले प्राइस पे मिलेगा, और वो वहाँ पे भी जो भी मतलब आपके जैसे कॉलोनी वगैरह में या सेक्टर में मिलता होगा वो सेम ही मिलेगा यहाँ भी। बट अगर आप ज़्यादा लेंगे जैसे 10-12 पैकेट लेते हैं तो शायद आपको होल सेल प्राइस पर मिल जाए। और ये मैं उसी गोल चक्कर के पास पहुँच गया हूँ जहाँ से मेरे को मतलब जहाँ से लेफ्ट था, मैं यहाँ से राइट जाऊँगा मेट्रो स्टेशन की तरफ। और यहाँ पर ना गाइस एक बादाम वाला है, वो एक बार ही पीऊँगा और वहीं आपसे सी ऑफ करूँगा, ताकि जब भी आप यहाँ आएँ और अगर आप यहाँ पे जब भी शॉपिंग वगैरह करने के बाद उसके बाद अपना यहाँ से आराम से रिफ्रेश हो जाए। तो मैं आपको एक बार वहाँ पहुँच के दिखा भी देता हूँ शॉप और सी ऑफ भी कर देता हूँ। ठीक है भाई, देखिए ये है मेरे पीछे दर्शन रिफ्रेशमेंट सेंटर, जहाँ का मैं आपको बता रहा था। ये मैंने अभी यहाँ से बादाम शेक किया, मैं यहाँ से मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रहा हूँ आप सबको लेके। और अब बस अंधेरा हो गया तो मेरा भी मतलब सी ऑफ करने का टाइम आ गया। तो बस भाई मैंने आपको मेन चीज़ सारा ना दिखाई दिया, तब तक मेरे को बताना फिर कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और लाइक करना वीडियो को, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिसको भी मतलब किताबों किताबों की ज़रूरत हो। बाकी ठीक है गाइस, मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ। अब भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अपकमिंग वीडियोज गाइस।